ये गोश्त गल गया है, गल गया गल गया। तो क्या है बेटा बना रहे? देखूं किधर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज हमारे शादुल भाई खपसा कैसा बनाते हैं वो बताता हूँ। आज मैं इस तरह में हूँ, हमारे साथ मुतवा भी है। तो खपसा शुरू से बन रहा है अभी, तो मैं पहले तो शुरू से नहीं बताया, बीच में बताया था, लेकिन बनाते कैसा और कौन सा गोश्त इस्तेमाल हो रहा वो आपको बताता हूँ वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, ठीक है ना, और लाइक करना ना कबूलो। चलो तो भैया हम आ गए हैं किचन में। किचन में पूरा शीशे शीशे जी, तो बस तैयारी चल रही है। ये चावल रखे हुए, ये पूरे शीशे है, और हमारे शादुल भाई थोड़ा इधर देखो एक बार। ये शादुल भाई हमारे भोजन से, और ये क्या बना रही? खिचना बोल रहे। खिचना बना रही, क्या क्या डाले भाई इसमें? क्या भी नहीं, खाली प्याज है, सूखा नींबू का पाउडर है, सूखा नींबू पाउडर और बस वही फ्राई करे। अच्छा, चावल के ऊपर रखने का। अच्छा, बाद में लास्ट में। लास्ट में। अच्छा जी, देख लो भाई ये किचना है। किचना कौन सा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं आज? आज ऊँट का। ऊँट का गोश्त है? हाँ, ऊँट के गोश्त का कप्सा बना रहे बोलो। कप्सा बना रहे आज, माशाल्लाह। और यहाँ पर देखो टमाटर वगैरह काट के रेडी है, प्याज रेडी है। यहाँ पर है देखो ऊँट का गोश्त, माशाल्लाह। ये ऊँट का गोश्त है, बड़े बड़े पीसेस। कितना होगा, कितने किलो? 5 किलो का खपसा बन रहा है आज, माशाल्लाह। इसको अच्छा वाश कर लेके फिर बता तो मैं आगे क्या करने का इसके साथ में। हमारे मुतवा है, ये देखो मुर्गी काट रहे हैं आज। इन्हों भी बहुत बड़े शेफ है। क्या बनाते जी तुम? अभी तो मुर्गी काट रहे, देखो बना रहे। अभी चमड़ा निकालते साहब इसको? नहीं साहब, नहीं निकालते। चमड़ा नहीं निकालते? नहीं निकालते, अपना आइडिया नहीं है। खाली दो टुकड़े बनाए थे बोलो। खाली दो टुकड़े कर देते, हाँ रख देते बस, बाद में नीचे डाल। हो गई भाई दो टुकड़े। ये जो है इसको इसको क्या बनाते? शवाया। खपसा बनाते इसका? शवाया बनाते, मंदी बनाते तुम इसका, मुर्गी का? मंदी। शादुल भाई ये चाय बना रहे, देखो ये कंपनी की अल अत्तार, जोहरात बोलते हैं, फूलों की चाय। ओ बहुत नक्शे नमूने के चाय पीते हैं यहाँ पर। ये देखो ये बन गई चाय। मंदिर किधर है? और इधर घावा तुर्की, बताओ मंदिर का एक ऊपर टीशू लेके। ये घावा तुर्की की है, उसके ऊपर रख लेना। ये घावा तुर्की। देखो माशाल्लाह गाजर की कटिंग चल रही है सलाद के लिए। इसमें बना हुआ है कुछ और कुछ बन रहा है अभी। ये होता है देखो, हर इस तरह का डिफरेंट काम होता है भाई, अलग 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 काम होता है हर इस तरह में। क्या शादुल भाई? सही। क्योंकि अलग अलग कबीले से होते हैं तो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं यहाँ पे। वाह माशाल्लाह, क्या सलाद भाई, भाई जबरदस्त बनाए सो सलाद। तुम ही बनाइए, पहले तैयारी करके रख लिए बोलो इसके। हाँ बना रही है, टुकड़े टुकड़े बना रही जो है खिलेंगे सब। लाल लाल, हाँ हो गया, ख़त्म हो गया। अल्लाह देखो यार इतना अच्छा, इतना लाल ख़राब हो गया, दो के दो ख़राब हो गए, फेंकने में जाएगा ये। अब दीप के साथ टाइम लेके आराम से सुकून से बनता भैया खाना, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, माशाल्लाह। अभी देखो इसमें चिकन उबालते, बाकी का जो है जो गोश्त है ऊँट का वो इसमें गलाते। इसमें गलने के बहुत टाइम लगता नहीं, गलने एक घंटा गलाते भाई ऊँट का गोश्त। ओफो अभी इसमें तेल डाला जा रहा है। शादुल भाई हमारे शेफ है माशाल्लाह। इसमें तेल डाल के मुर्गी को गलाते बोलो। ये देखो लहसुन कटा हुआ, लहसुन डाल रहे इसमें। यहाँ दो दो शक्ल की प्याज है, थोड़ी लाल है थोड़ी सफ़ेद है, दो शक्ल की प्याज। हाँ तेज पत्ता, तेज पत्ता भी डालना। ये खाली चिकन उबालने के लिए, मंदी का जो चिकन होता ना वो उबालने के लिए। माशाल्लाह ये थोड़ा टमाटर गया इसमें,
देख लो भाई मंदी कैसा बनाते हैं, मंदी का चिकन उबालने के लिए ये, इसमें उबाल के बाद में जो है ना फौरन में सेकना होता है। अभी डाल दे रहे इसमें मुर्गी, कितनी देर फ्राई करते इसमें? आधा घंटा। बहुत लंबा लंबा टाइम ले रहे हो भाई तुम। अरे आपको गर्म करे से पानी डाल दिए इसमें, अभी आधा घंटा उबलना है इन्हें। उबलने के बाद फरन में जाती है इन्हें अलग से। तो ये मसाला है माजी मसाला, कितने कहाँ है वो पैकेट बताओ। ये माजी मसाला, ये सिर्फ मुर्गी गलाने के लिए, चिकन गलाने के लिए ये डाल रहे। बाद में क्या लगाते इसको मसाला? और बाद में वो टमाटर सॉस लगाते हैं। खाली सॉस लगा के इसको सेकते, समझो फरन में डालते। सही है, ज़बरदस्त। भैया खाना बनाना आसानी नहीं है, यानी ये जो मंदी वंदी बनाते ना यहाँ पे, बड़े नज़ाकत के साथ बहुत हिसाब किताब से और तेज़ बिल्कुल भी नहीं रहना, अगर तेज़ रहा तो खाते ही नहीं। कैसा बनाना पड़ता वाले में, इधर बगैर भी चालू रखना पड़ता, उन्होंने बुलाए तो लबैक बोल के हाजिर भी होना पड़ता, दो अभी टाइम पे होना, चाय भी देना, घावा भी देना, शीशा भी देना, वो फहम भी लगाना और बनाना भी। नहीं वो नहीं भी रहा तो घावे का भी रहा तो कौन आया तो ताल मोहम्मद सब घावा। ये क्या चॉकलेट? माशाल्लाह चॉकलेट रखे हुए रहते हैं। शहदुल भाई अभी रेडी पकाने के लिए। कितने आदमी का ये? 15 आदमी का खाना है भाई। बनवा सो वलीमा, अभी अभी गोश्त, ये जो गोश्त है इसको गलाने का प्रोसेस चालू हो रहा है। ये देखो यहाँ पर कुकर रख दिए, कुकर में क्या डाले जी भाई? अच्छा चर्बी, चर्बी का तेल छिड़ गया। ओके चर्बी के तेल, ये लहसुन तेज पत्ता, इसमें भी यहाँ देखो चिकन अभी तक गलने में छे भैया, गल रही तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। खड़े मसाले यानी काली मिर्ची, इलायची, ये देखो सफ़ेद प्याज और लाल प्याज, ये गोश्त गलाने के लिए है। ये बहुत टाइम गलाना पड़ता गोश्त को, ऊँट का जल्दी गलता नहीं। माशाल्लाह भाई जबरदस्त खत्ता बनने वाला है। खुशबू तो माशाल्लाह, आप लोगों तक खुशबू नहीं आती, लेकिन यहाँ पर खुशबू नंबर वन होगी। और क्या डालना है इसमें? अभी टमाटर डालना है, गोश्त डालना है, पानी गर्म डालना है। पानी गर्म डालना पापा, गर्म सही तरह से। कहीं अच्छा इसमें पानी गर्म हुआ है, गर्म पानी डाल लो। मुतवा बना रहे हैं? मुतवा बना रहे? नहीं नहीं मैंने बना रही भाई। नहीं बना रही? मुतवा भी बनाए सर पहले। चमचा क्या दाल घोट नहीं हिला उसमें? होने होने डालो, टमाटर डाल दो, टमाटर डाल दो। माशाल्लाह मसाले क्या है ये? हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, मसाले बहुत ज्यादा रहते इसमें, भारत बोलते हैं अरबिक में ना। ये क्या है? ये क्या मसाला है? भारत। अच्छा ये पूरा मिक्स रहता है इसमें, दालचीनी चकला वगैरह वगैरह वगैरह। ये नींबू पाउडर, और क्या है ये? क्या है ये भी? वही। अच्छा वही। अल्लाह ये मसाला पूरा मिक्स हो गया, ये चर्बी के तेल से हो रहा, देखो ये इसमें कोई तेल नहीं डाले। और ये आ गया है गोश्त, बड़े बड़े है भाई पीसा, अभी डाल दे रहे थे पीसा इसमें। डाल दिया देखो इसमें पूरा गोश्त।
अभी अच्छे से मिला के एक घंटा पूरा गलाना पड़ता है, एक घंटा बराबर, एक घंटा टाइम देख करके गलाना पड़ता है। ज्यादा हो गया तो फिर ज्यादा गल जाता है। 50 मिनट अच्छा रहा तो सीटी का हवा कैसा निकलना, देखो डाल रहे इसमें पानी, पानी भी गरम करके डालना है इसमें। मंदी की वीडियो थी यार, कैसा बनाया था, सब रिलेट हो गया। कहाँ पे, वहाँ बनाया था, हेल में मंदी बनाया था, पकड़े लगभग 3 लीटर रहता इसमें, रहता 3 लीटर। और ये जो पानी है ना, ये पानी से खारा उबाल, चावल उबाल, ये जो पानी इसमें बचता, ये पानी से चावल उबाल के उबाल देते, चावल उसमें जो उबाल देते, पानी उसमें जीरा देते, डाल दिया देखो पानी। दादू भाई एक बार मारो, पता नंबर की रात है, मोटा वाला। माशाल्लाह तकरीबन एक घंटा हो गया भाई, एक घंटे के बाद ये देखो ये मुर्गई को लगा रही है टमाटर सॉस। क्या तो मिला इसमें तेल में, मसाला मिला है थोड़ा सा। ये बन रही है मुर्गई, मुर्गई मंदी, चिकन मंदी, जबरदस्त। अब ये फरन में जाती इसके अंदर, कितनी देर रखते अंदर, आधा 11 बजे पूरा खलास। अच्छा, धीमा रखना है, यानी स्लो स्लो पे काम चल रहा है, 11 बजे तक पूरा। इसका कहाँ तक आया गोश्त का, गल गया गोश्त, ओके। फरन को स्लो पे रखना समझो, एक घंटा टाइम है ना अभी, सही है, 11 बजे खाना बड़ा करो। तो मुतवा को एक काम लग गया, अब ये चावल में से पानी निकाल के चावल इसमें डाल रहे भगोने में। अब ये चावल में जो है ना, इसमें का पानी निकाल के ये चावल में डाल देते हैं, वो इस पानी से चावल गलना है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गोश गल गया है, गल गया। अभी वो पानी जो है इसके अंदर डाल देना चावल में। बिस्मिल्लाह, ये ठेके से वैसे बनता कब से, पानी ज्यादा होता है। अब ये जितना भी ये बचे हुआ है ना, ये पूरा बल्दिया में जाता देखो ये, और ये पानी डाल दिए इसके अंदर। मिर्ची देखो, बड़ी बड़ी मिर्ची है, और इसको ऐसे ही जो है पका देते हैं। तो वो चावल भी जो है धीरे धीरे पकते, क्योंकि ये चावल पकने के बाद उसके ऊपर ये गोश्त रख के देते हैं, बघार ना करना कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। ये चावल जो है बन के ख़त्म, चावल 11 बजे कम्प्लीट होना, किधर से भी टाइम के हिसाब से काम चलते रहता। शादुल भाई का हमारे क्या बोलते शादुल भाई, ये जैतून का तेल, ये सलाद है, जैतून का तेल, ये नींबू, इसके अंदर खास क्या है, और जरजीर, खियार, गाजर, ये नमक, ये सहन, कई का पानी है, खलता लींबू का पानी, खलता लींबू का पानी। बस खलास थोड़ा निकाल दे। ये बन गया है भाई सलाद, ठीक है। ये गरम होता है, ये एक्चुअली इसमें जैतून का तेल होने की वजह से अच्छा गरम होता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से सहनों में रखे जो है परोसना पड़ता है। बहुत शौक़ से खाते हैं ये सऊदी लोग, और ख़ास करके सऊदी लोगों के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा चावल के तरफ। ये देखो चावल में पानी जो है ना सूख गया है, ठीक है। ये चावल में पानी सूखने के बाद में इसके ऊपर जो हमने पहले जो बनाया था ना, इसको क्या बोलते हैं, किशना, तो ये जो किशना है इसके ऊपर डालते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, प्याज होता है और नींबू का सूखा पाउडर होता है। ये किशना इसके ऊपर डालने के बाद में इसको दम पे रख देते हैं, गश्तीर लगा के इसको दम करते हैं चावल को। ये
दम होने के बाद में फिर इसको प्लेट में निकालते हैं। आगे आपको बताऊंगा, देखिएगा। ये देख सकते हैं, ये गजतीर लगा के जो है इसको दम देना है चावल को। चावल जैसे दम हो जाएगा फिर इसको एक बड़ी सी प्लेट में, जैसे सऊदी लोग स्टाइल में खाते हैं, सऊदी लोगों के स्टाइल में, इसको निकालना पड़ेगा। निकाल के फिर देना पड़ेगा। चलिए आगे बताता हूँ आपको कि क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे होता है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई। ये देखो, इस पे गजदीर के बाद इसके ऊपर रख दिए हैं ये, इसके ऊपर का पतीला। चावल दम होने के बाद में ये देख सकते हैं, ये जो किचना होता है ना, इसको थोड़ा सा चावल में मिक्स करके इसको अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बाद में जो है ना ऊपर डालना पड़ता है डेकोरेशन के लिए। ठीक है, वैसे तो ये उतना कुछ खास खाते नहीं है, लेकिन बस दिखावा बहुत होता है। ये देखो, चावल निकाल के जो है ये प्लेटों में डाल रहे हैं, दो प्लेटों में, देख रहे हैं ना। अभी इसको बहुत अच्छे से जो है ना जमा जमा के सजाते हैं। आगे आगे देखो, ठीक है। ये अभी डाल दिए चावल। तो भैया ये देख सकते हैं किस तरह से चावल को यहाँ पर जमाना पड़ता है। ये है सऊदी स्टाइल में अरबी लोगों का खप्सा, ठीक है, ऊँट का। इसको क्या बोलते हैं ऊँट को? जमल, जमल मंदी, जमल मंदी बोलते, खप्सा बोलते, मंदी बोलते, अलग अलग रहते हैं यार, ये नाम समझ में नहीं आते। अभी देखो ये जो थोड़ा सा ज़ाफ़रानी चावल इस पर डाला जा रहा है, ये देख सकते हैं। इसमें दो चीज़ें मैं पहले नहीं बताया, इन्होंने प्याज भी फ्राई करके रख लिया था पहले से ही। ये आप देख सकते हैं ज़ाफ़रानी चावल, क्योंकि ये कलर आएगा ना तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जमा रहे हैं भाई। बहुत मेहनत होता है इसमें, आसान नहीं होता है कप्सा बनाना। बस बनाने के लिए टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको जमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अभी देखो ये जो किचना निकाले थे ना चावल के ऊपर से, ये अभी किचना इसके ऊपर डाला जा रहा है, माशाल्लाह। वीडियो थोड़ा बड़ी है, अगर यहाँ तक आप देखे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे शादुल भाई के लिए लाइक ज़रूर करना, शादुल भाई के लिए कॉमेंट ज़रूर करना कुछ ना कुछ, ठीक है। बहुत अच्छे शेफ है माशाल्लाह, 8 साल से काम कर रहे हैं इस तरह में, तो बहुत अच्छे से सीख गए हैं खप्सा बनाना। अभी शादुल भाई को होटल खोल के देना पड़ेगा इंडिया में। क्या बोलते हैं शादुल भाई, वीडियो देख रहे हैं ना तो कमेंट करो जल्दी। अभी देखो इसके ऊपर डालते हैं फ्राई किया हुआ प्याज, ये देख रहे हो प्याज, ये भाई साहब ने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ था, मैं देखा नहीं था इसको। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर डाल रहे हैं फ्राई किया हुआ प्याज, माशाल्लाह माशाल्लाह। यही है खूबसूरती है, खाना कम खूबसूरती ज़्यादा रहती है इसमें, माशाल्लाह। देख रहे हो भाई लोग, ये सऊदियों को इस तरह से बना के खाना देना पड़ता है। अब जो लोग ये खप्सा बनाने का काम करते हैं उनको अच्छे से पता होता है। तो भैया इस तरह से जो है ना सजाना बहुत पड़ता है इसको, देख रहे हो चावल। अभी इसके ऊपर डाल देंगे हाशी, लहम हाशी बोलते हैं ऊँट के गोश्त को, ये आप देख सकते हैं। इसको गला के जो है बस इस तरह से डालना है, फीका होता है, उतना तेज़ भी नहीं होता है और ना उतना फीका होता है, समझो मीडियम, बस नमक का होता है, ज़्यादातर तो नमक का ही होता है। जिसको तेज़ चाहिए वो लोग अलग से जो है ना वो ठेसा बनाते हैं ना मिर्ची का, वो ठेसा इसमें यूज़ करते हैं ये लोग खाने के लिए, जिसको तेज़ चाहिए। ये हो गया है रेडी, अभी देखो ये जाएगा प्लेट, ये जा रहा है माशाल्लाह। ये पाकिस्तानी बंधु है और ये शादुल भाई शेफ है, ये अभी जा रही है खेमे के अंदर, अभी ये लोग खा लेंगे सऊदी लोग, माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।